जय हिंद। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये हम लोगों ने ख़त्म कर चुके थे। साथ ही साथ थर्ड के बाद जो फोर्थ चैप्टर है वह हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। सीधे हम लोग जो फिफ्थ पाँचवा चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक, उसके बारे में पढ़ा था और वो भी कल हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, वैसा नहीं कि जल्दीबाजी खत्म किया, पूरा टू दी पॉइंट, एक भी उसमें पॉइंट जो वो छोटा नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ चैप्टर। पांचवा चैप्टर पढ़ लिए थे लेकिन हम आज पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जितना टाइम लगेगा हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये जो टॉपिक जाएगा वो छोटे छोटे 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो होगा और काफ़ी सारे टॉपिक में जाएगा। ठीक है, एक बार में ही नहीं होगा, तो वीडियो को बनाने में और समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो आप लोगों से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो चैप्टर है ना, जो 11th क्लास में जो फोर्थ नंबर चैप्टर है उसको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है जैसे देखिए पढ़ना क्या है, सबसे पहला चीज़ कि उसमें पढ़ना क्या है। पहला चीज़ जैसे हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो अर्थ के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो देखा था कि ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है सॉलिड है, क्रस्ट क्या है सॉलिड है, इसी क्रस्ट पे पेड़ पौधा है, इसी क्रस्ट पे घर है, इसी पे पहाड़ है, पर्वत है ना, मनुष्य है, इसी पे पानी है। ठीक है, तो जो फोर्थ चैप्टर है वो जो है हम लोग जितना भी पीछे पढ़े हैं कि यहाँ प्लेट है, प्लेट ऐसे मूवमेंट करता है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटीज होता है, तो सारा चीज़ का आंसर ये फोर्थ चैप्टर देगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपके मन में जितना भी क्वेश्चन है कि वोल्केनो कैसे उत्पन्न होता है उसका ऐसे तो बता चुके हैं, लेकिन इसका आंसर इस चैप्टर में दिया हुआ है। महासागर कैसे बना है, इस चैप्टर में आंसर है। ठीक है, फिर हिमालय कैसे बना है, इस चैप्टर में आंसर है। एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत कैसे बना है, रॉकी माउंटेन कैसे बना है, इस चैप्टर में आंसर है। ठीक है, साथ ही साथ प्लेट कैसे मूवमेंट करता है, प्लेट जो है कैसे मूवमेंट करता है, इस चैप्टर में आंसर है। इंडिया कौन सा प्लेट में, इंडिया जो है वो किस तरीके का प्लेट है, इंडिया का प्लेट क्या हो रहा है, धस रहा है, उठ रहा है, क्या हो रहा है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा विस्तार में था, अलग अलग टॉपिक में इसको हम लोग पढ़ेंगे और सारा चीज़ का आंसर इस टॉपिक में हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चीज है फोर्थ नंबर चैप्टर है ना, इसको हम लोग जो है ना, अगर इस चैप्टर के बारे में पढ़ें तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब हमारा जो धरती है इसमें जो चीज भी है, जैसे भी इसमें फॉर्मेशन हुआ है, जो भी पृथ्वी के अंदर जो चीज भी है, हम सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या यहाँ पे एक्टिविटीज हो रहा है। ठीक है, और कैसे सारा चीज़ का निर्माण हुआ है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस है, साथ ही साथ लूसेंट का भी इसमें हम लोग समावेशन किए हैं और और अदर बुक्स भी है, नोट्स का भी सारा समावेशन है और बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो हम लोग टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। पहला चीज अब देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहला इमैनुअल कांत के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसने
नेबुला हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी दिए थे। इस नेबुला हाइपोथेसिस में क्या था कि एक जो था वो गैसेस का गोला था, इस गैसेस में डस्ट पार्टिकल्स थे, गैसेस थे, है ना, और ये लगातार क्या हो रहा था, घूम रहा था, जिसके कारण से जो भारी मटेरियल अंदर चला गया और हल्का हल्का मटेरियल ऊपर आ गया, और ये सॉलिडिफाई होकर क्या बना दिया, ये सॉलिडिफाई होकर क्या बना दिया, ग्रह बना दिया, और ये क्या बना दिया, सन बना दिया। तो ग्रह और सन कैसे बना हम लोग कैसे जाने, इस इमैनुअल कांत के नेबुला हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो इसी का विस्तार रूप, इसी का एक जो है वो एडवांस लेवल दिया, कौन दिया, उसका नाम था ये केल्विन, क्या दिया, केल्विन, वो उसने क्या, केल्विन था, एक दूसरा साइंटिस्ट क्या था, केल्विन, केल्विन ने क्या कहा, केल्विन ने क्या कहा, ये भी नेबुला हाइपोथेसिस ही दिया, नेबुला हाइपोथेसिस ही दिया, लेकिन इसका मॉडर्नाइज था, ये क्या था, ये मॉडर्नाइज था, मतलब थोड़ा सा इसमें मॉडर्नाइज कर दिया गया, हल्का सा बदलाव कर करके कुछ ही अलग बोल दिया, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट इसका क्या था, नेबुला हाइपोथेसिस का ही था। अभी केल्विन ने क्या कहा, देखिए केल्विन ने क्या कहा कि जब इमैनुअल कांत ये बताया तो खाली इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि ग्रह बन गया और क्या बन गया, ये सन बन गया, लेकिन इस ग्रह के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर महासागर कैसे आए, इस ग्रह के ऊपर क्रस्ट कैसे बना, ये डिस्कशन नहीं कर पाया। तो इसी का एडवांस वर्जन कौन बताया, केल्विन बताया। केल्विन ने क्या बताया कि सही बात है, ये क्या है, एक गैस का गोला है जिसको हम लोग नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं, इसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, ये कौन बोला, केल्विन कहा, सेम चीज कहा है यहाँ भी, और क्या कहा, ये लगातार घूम रहा है, लगातार घूमने के कारण क्या हुआ कि इसका जो भारी मटेरियल है यहाँ पे जाकर के जमा हो गया, हल्का हल्का मटेरियल बाहर में जाकर के क्या हो गया कि बाहर चला गया, साथ ही साथ जो बड़ा वाला चीज था छोटा छोटा वो खींचते गया और अपने आप से आपको बड़ा करते गया, अपने आप को क्या करते गया, बड़ा करते गया, और इस तरीके से ये सब ग्रह का निर्माण हुआ, ठीक है, ये ग्रह का निर्माण हुआ, यहाँ तक ये भी कहा था, यहाँ तक इमैनुअल कांत ने भी कहा था, यहाँ तक दोनों, लेकिन इसके आगे ये क्या कह दिया, केल्विन जो इसके आगे क्या कह दिया कि ये जो ग्रह हुआ है ये भी क्या है, आखिर में तो ये गैस का गोला ही है शुरुआती दौर में, अब धीरे 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 ये एयर का टच में आया, यहाँ से डिगैसिंग हुआ, डिगैसिंग होने के साथ साथ मतलब गैस बाहर निकला, वाष्प बाहर निकला, है ना, तो सारा चीज से ये क्या हो गया, बाहर का परत ठंडा हो गया, भारत जो बाहर का परत था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, और अच्छा अब ठंडा हो गया, क्या हो गया, सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड हो गया, अब बाहर जो बाहरी जो परत है, बाहरी जो परत है वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, बाहरी जो परत है वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे ये दिमाग लगा गया, इसने कहा कि कोई भी चीज जब ठंडा होता है, जैसे मान लिया गर्म है और कोई चीज जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के पश्चात क्या होता है, सिकुड़ता है, ठंडा होने के पश्चात कोई चीज क्या होता है, सिकुड़ता है, है ना, तो जैसे ही स्टार्टिंग में ये गर्म था तो फैला हुआ था, और जैसे ही ये ठंडा हुआ, जैसे ही ये क्या हो गया, ठंडा हुआ, तो सारा चीज सिकुड़ा, सारा चीज सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा, तो इस सिकुड़ने और फैलने से क्या हो गया, सिकुड़ने और फैलने से क्या हो गया, सिकुड़ने और फैलने से क्या हो गया कि कहीं कहीं पे क्या हो गया कि कहीं कहीं सिकुड़ने फैलने से क्या हो गया कि कहीं कहीं गड्ढा हो गया, है ना, कहीं कहीं क्या हो गया, गड्ढा हो गया, है ना, कहीं कहीं क्या हो गया, गड्ढा हो गया, और कहीं कहीं इसी तरीके से रहा। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जब कोई मटेरियल ठंडा होता है तो ठंडा होने के पश्चात क्या होता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ना फैलना उससे क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है, उससे क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है, तो वही चीज कहा गया पृथ्वी में आ गया, और कहीं कहीं क्या हो गया, वो धस गया, तो धसा, तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या हो गया, सॉलिड होकर करके और क्रस्ट करके मान गया, किसका निर्माण किया, क्रश करने का मान किया, जिस पर हम लोग रहते हैं, और जो धसा पार वहां पे क्या हो गया, पानी आकर के जम गया, और वहीं पे क्या आ गया, महासागर का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़े उससे हमको क्या पता चला कि ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, ये चैप्टर बताना चाह रहा है कि क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ और क्रस्ट में महासागर कैसा है, उसका निर्माण कैसे हुआ। इसके दो थ्योरी थे, इमैनुअल कांत और एक था
केल्विन, केल्विन का नेबुला हाइपोथेसिस, ये नेबुला हाइपोथेसिस का ही एक एडवांस लेवल था, एक मॉडर्नाइज्ड वे में कह दिया। बस ये कुछ नहीं कहा है, सारा चीज इमैनुअल कांत का ही कहा हुआ था। बस ये एक चीज जोड़ दिया, जब जब कोई चीज ठंडा होता है और गर्म होता है, ठंडा होता है गर्म होता है, सिकुड़ता है फैलता है, तो क्या होता है उस मटेरियल में, उस चीज में क्या हो जाता है कि वो टूटने जैसा हो जाता है और क्रैक आ जाता है। तो और वही चीज क्या कहीं कहीं क्या हुआ है, क्रैक आ गया, कहीं कहीं क्या आ गया, तो जो क्रैक आया है वो क्या हो गया, महासागर हो गया। और जो इस तरीके का था वो क्या हो गया, सॉलिड, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधा है, जिस पर सारा चीज है, और ये जो धसा हुआ पार्ट हो गया महासागर हो गया। ये किसका था, केल्विन का था, नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देखा कि महासागर कैसे आया है और ये सारा क्या था, अनुमान लगाया गया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को सही नहीं माना गया, सपोर्टिव था लेकिन ये सही कारण नहीं दिया गया। ये जो केल्विन है ये नहीं बता पाया कि हिमालय कैसे बना है, ये नहीं बता पाया कि रॉकी माउंटेन कैसे बना है, ये नहीं बता पाया कि एंडीज माउंटेन जो है वो कैसे बना है ना। फिर से ये नहीं बता पाया कि छोटा छोटा जो द्वीप है वो कहाँ से आया है, द्वीप कहाँ से आया, छोटा छोटा द्वीप कहाँ से आया, ये बता ही नहीं पाया था। इसलिए इसको सही, जो इस थ्योरी को जो है पूरा तरीके से सही इसको नहीं माना गया, लेकिन इसको सपोर्टिव माना गया, मतलब इसका मदद लेकर करके आगे जो है वो पूरा विकास किया जाएगा। तो हम लोगों ने आज पहला टॉपिक पढ़ा है, कल हम लोग एक टॉपिक और, एक उसमें कल हम इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।